क्या आप संडे का दिन अलग कुछ बनाना चाहते हो? क्या संडे का दिन आप कुछ बच्चे लोग को अलग कुछ बना के खिलाना चाहते हो? तो रेसिपी को एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ आज एक कलकत्ता का रेसिपी के साथ। तो मैं आज बनाऊंगी आलू एक मूंगलाई। तो चलिए, मैंने देखिए दो आलू लिया, एक अंडा लिया। तो मैंने पहले बॉयल करके ले तू आलू और अंडा को। अंडा मैंने पहले बॉयल हो जाता है तो अंडा मैंने पहले निकल दूंगी और आलू थोड़ा टाइम के लिए बॉयल कर लूँगी। तो ये बॉयल करने में बैठा थी गैस में। तो अंडा और आलू उधर बॉयल होने दीजिए और इधर का बाद बाकी काम हम कर लेते। तो मैं एक थाली ली, ऐसे में लेती हूँ एक बाउल जैसे मैदा। तो मैं इसी में दूंगी थोड़ी सी नमक और मैं इसी में दूंगी थोड़ी सी तेल। अच्छी तरह से मिला लेते। तो अच्छी तरह से मैं मिला ली। अब इसी में दूंगी पानी, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी देंगे और भूनते जाएंगे। तो देखिए हो गया, मैं अभी कवर करके रख देती हूँ। तो देखिए मेरा अंडा और आलू बॉयल हो गया, मैं सील कर निकल दिया। तो अभी आलू को, आलू और अंडा को ऐसा हम कद्दूकस कर लेंगे। आलू हो गया, अभी अंडा को भी ऐसे कर लेंगे। तो देखिए हो गया अंडा और आलू, मैं कद्दूकस कर लिए। तो मैं इसी में दूंगी नमक और दूंगी मैं ब्लैक पेपर और है इसी में मिक्स है, मतलब जीरा सौंफ धनिया सब कुछ मिक्स है। तो ये भुना हुआ है, ये मसाला मैं दे रहा हूँ एक चम्मच जैसे। और अभी दूंगी इसी में थोड़ी सी चाट मसाला और इसमें दूंगी मैं एकदम बारीक काटा हुआ प्याज, ये देखिए एकदम बारीक काटा हुआ। और इसी के साथ साथ दे दूंगी मैं मिर्च, हरी मिर्च एकदम, ये भी बारीक बारीक काट के लिए मैंने। और दूंगी थोड़ी सी धनिया पत्ती। तो अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगी। तो देखिए मिक्स कर ली अच्छी तरह से। इसी में मैं हल्दी नहीं दी, अगर आपको हल्दी देना है तब दे सकते हो, मैंने नहीं दिया। तो चलिए एक साइड कर लेते हैं। तो मैदा भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए चलिए हो गया, हम साइड करके रख देते। तभी धीरे धीरे हम बना लेते। मिक्स बेल लिया, इसी में हम देंगे जो आलू और एक हम मिला के रख दिए थे वो देंगे एक एक करके। धीरे धीरे हम लोग ऐसे हिला देंगे। अभी दे दिए, अभी धीरे धीरे हम ऊपर कर देंगे। ये ज्यादा पतला भी नहीं बनाने का, ज्यादा मोटा भी नहीं बनाने का। इसके ऊपर से हम थोड़ा पानी दे देंगे, हाथ गिल्ला करके थोड़ा पानी ऐसे ऐसा दे देते। फिर दूसरा साइड में मैसे लेते के आते। थोड़ा पानी से ऐसा कर देंगे तो सिपक जाएगा अच्छी तरह से। तीसरे से भी हम ऐसा उठा देते के थोड़ा सा दबा देने का, इस तरफ भी हम उठा के दबा देते। तो हो गया, चलिए गैस का तरफ।
तो देखिए मैं एक फ्राई पैन बैठा दिया और उसमें तेल भी दे दिया, तेल गर्म हो गया, अभी दे देते हैं। ऐसा देने का ऊपर से ऐसा तेल लगाने का, क्योंकि ये डबल टिप्पल दिया ना हमने, जैसे हम ऊपर से तेल देंगे तो अच्छी तरह से पक जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा, धीरे धीरे हम पका लेंगे। तो एक बार हम पलटी कर देंगे, देखिए इस तरफ कितना मस्त हो गया, एकदम सोलो गैस में पकाने का। एक बार हम उस तरफ देख लेते हैं, एकदम सोलो गैस में धीरे धीरे पकाने का, देखिए इस तरफ इतना अच्छी तरह से कलर आ गया। इसमें तेल देने का कोई जरूरत नहीं क्योंकि अच्छी तरह से पक गया। तो यार हम निकल देते हैं, बाद बाकी भी ऐसे हम बना लेते हैं। तो चलिए पूरा हमारा बन के रेडी है। तो देखिए पूरा बन गया, तो एक एक करके हम काट लेते हैं, हम इसमें से ऐसा काट देंगे, थोड़ा गर्म भी है। हम उलट पलट करके काट लिया, देखिए तब हम पीसेस पीसेस कर लेंगे, पीसेस कर लेंगे। तो हमारा मोगलाई बन के रेडी। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग का रेसिपी अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नया वीडियो का साथ। ओके बाय।